जो पार्टी यहाँ पर आ रहा है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि कहने का मतलब तुरंत हमको माने खाकपति है, हमको लाखपति बना देगा। धरातल पे नहीं आ पाया है काम, योजना तो शिलान्यास हुआ लेकिन आया नहीं। अभी वोट लेने वास्ते माने आपसे हम कंधा मिला लेंगे, हमसे कंधा मिला लगा हो, मतलब ऐसा वो लोग का सोच विचार है। विधवा पेंशन वगैरह का कार्ड दिया जा रहा है, उसके अवैज में दे रहा है मैया सब समान योजना। 2500 का हम 2500 देंगे तो ई वो देख के माने लोली खाली लोली पॉप है। एक दो महीना देवो किया है तो दिखावा वास्ते दिया। ईडी छापा मार रहा है वहाँ, मतलब बहुत तरह तरह के यहाँ हो रहा है लेकिन काम पे यहाँ कुछ हो ही रहा है। महिलाओं को पैसा मिल भी रहा है तो आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो दे रही है, दे रही है, पर हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं है कि वो हमेशा ही देंगे। लोकतंत्र 19 में आप सभी दर्शकों को स्वागत और जोहार है। इस वक्त हम जो है कांके विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। और चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, इस वक्त जो है झारखंड में चुनावी सर चढ़कर बोल रहा है। विधानसभा चुनाव का तिथि निकल चुका है। फिलहाल जो है हम इसी को लेकर जो है अलग अलग विधानसभा सीट को कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम जैसे कि कांके विधानसभा सीट में आए हैं, यहाँ हम लोगों के बीच जो है यहाँ का कैसा माहौल है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ के जनता से जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जोहार, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल, कैसा लग रहा है आपको कांके का? कांके के माहौल में हम लोग को जो जानकारी है न हो सो, अभी हमको फिलहाल अभी हम लोग को मोदी सरकार जो पहले भी थे अभी भी हैं, उनका जो कार्यक्रम जो है बिल्कुल सब सही सही है। अच्छा। और हम लोग का आशा भरोसा है कि आगे का भी कार्यक्रम वो अच्छा तरह से काम निभाएंगे। अच्छा। इसलिए मेरा फर्ज है हम लोग का कांके क्षेत्र से कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। किनको वोट दे रहे? नरेंद्र मोदी जो उनका जो अच्छा, मतलब इस बार आप लोग मतलब जो सिटिंग विधायक है उन्हीं को ही सपोर्ट? हाँ हाँ, जो उनका जो मेंबर खड़ा हुए हैं उन्हीं को वोट देना है। कैसा लग रहा है आपको, मतलब इस वक्त कांके में जनता क्या चाह रही है? कांके में जनता चाह रही है कि बीजेपी सरकार बने, बीजेपी का विधायक बने, और कांके में भर नहीं बल्कि पूरे झारखंड में बने। ठीक है, आप लोग मतलब सरकार से खुश नहीं है क्या? मतलब सरकार से खुश नहीं है और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बदल जाए सरकार, बीजेपी की सरकार हो। मतलब किन कारण से आप लोग खुश नहीं है? कुछ तो कारण होगा ऐसा। सा काम ऐसा है कि धरातल पे नहीं आ पाया है काम, योजना तो शिलान्यास हुआ लेकिन आया नहीं, इसी कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो जाए। जैसे कि आप भी देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में मैया सम्मान वगैरह आया है, तो ये सब तो योजना ला रही है सरकार, तो इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो इस योजना को ला रही है लेकिन बहुत सा पता चल रहा है कि विधवा पेंशन वगैरह का कार्ड दिया जा रहा है, उसके अवैज में दे रहा है मैया सब सम्मान योजना। और अबर आएगा बीजेपी सरकार लॉन्च कर रहा है तो बोल रहा है कि 1 रुपया में 50 लाख का प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो। यही सब देखते हुए जनता चाह रही है कि अबर फिर से बीजेपी का सरकार बने। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है इस बार भी ये लोग जो है यहाँ से सिटिंग विधायक को ही आगे करना चाह रहे हैं। फिलहाल और भी लोगों से हम बातें करते हैं। आप बताइए, क्या आपके क्षेत्र में सारा काम वगैरह हो गया? जोहार मैडम जी। जोहार। आपका चैनल माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि काम तो खैर इधर कुछ नहीं हो रहा है। इधर हेमंत सरकार में अभी लॉलीपॉप दे रहा है मैया योजना, माने क्या 2100 दे रहा है, 21 कितना 1000 दे रहा है, 1000। इसको तो जब देना था तो मैंने जब से आई थी सरकार बन के उस समय से देना चाहिए था, लेकिन अभी बीजेपी इलेक्शन के समय में ऐसा ऐसा स्कीम निकला रहा है, मैनोफेस्टो में ऐसा ऐसा निकाल रही है सरकार लोग, कि जो पार्टी यहाँ पर आ रहा है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि कहने का मतलब तुरंत हमको माने खाकपति है, हमको लाखपति बना देगा। ऐसा ऐसा माने वो लोग बात माने कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने जाने का है। यहाँ हम लोग इस बार माने पूर्व में तो यहाँ बीजेपी का सरकार थी, मतलब विधायक थे। हम लोग फिर सोचे हैं कि उन्हीं को ही देंगे पूर्ण रूप से और जिताएंगे, और कांके विधानसभा क्षेत्र पूरा झारखंड में बीजेपी हो और हम इसी में खुश हैं। और कहने का मतलब बीजेपी है तो सब कुछ है, बीजेपी है तो सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों इंडिया गठबंधन बना लिया है
वो लोग तो ऐसा मैंने कर रहा है कि देश को मतलब मैंने क्या मतलब आगे तक मैंने बढ़ाएगा, वो लोग मैंने 100 साल पीछे ढकेल देगा। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोग का मतलब सोच विचार ऐसा ऐसा है ना कि नहीं देख रहे हैं कि मैंने कितना कितना सुधीर साहू के पास करोड़ करोड़ पकड़ाया, ईडी छापा मार रहा है वहाँ, मतलब बहुत तरह तरह के यहाँ हो रहा है लेकिन काम पे यहाँ कुछ हो ही रहा है। एक खाली तत्काल में देखिए लोलीपॉप की इतना मतलब पैसा दिया जा रहा है मैया योजना को, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। अगर जीतने के बाद में सरकार बैठने के बाद में बैठेगी उसके बाद भी कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। अभी वोट लेने वास्ते माने आपसे हम कंधा मिला लेंगे, हमसे वो कंधा मिला लगा हो, मतलब ऐसा वो लोग का सोच विचार है। आखिर में जीतने के बाद कोई सरकार ऐसा देगा नहीं, बाप घर से देगा वो नहीं देगा। माने यहाँ का सब कुछ तो देखिए, यहाँ का माने जितना भी खनिज पदार्थ है यहाँ पर जितना कुछ है सबको तो इतना मतलब ऐसा कर दिया है कि मतलब जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, दो माने एक गाड़ी बालू जब यहाँ पर है, हम लोग का माने बालू का भरमार है यहाँ, खनिज पदार्थ इतना कोयला है, ये है वो है, लेकिन एक गाड़ी में माने अगर मान लिया जाए मोटा मोटी मिसाल पर तौर पर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जैसे कि 1000 रुपया है लेकिन उसको 5000 में दे रहा है एक ट्रैक्टर को, माने ऐसा मतलब यहाँ कर रहा है। तो जेब में क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। और अंत में यही बोले कि मतलब हम लोग के यहाँ देश को ही मैंने अगर कांग्रेस और जेएमएम मैंने मिल गठबंधन सरकार बना रही है, अगर वो आने के बाद तो हमको लगता है कि वो बांग्लादेश बना देगा, एकदम बांग्लादेश बना देगा जैसा अभी का सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से मैंने धर्म और देश दोनों को हमको बचा के चलना है। हालांकि हम लोग को संविधान से ही चलना है, लेकिन धर्म को देखते हुए देश को देखते हुए हम लोग को बीजेपी को जिताना है पूर्ण रूप से। मेरा यही मैंने कहना है। और क्या बोले मैडम आपसे, यहाँ तो खंडहर देख रहे हैं, पूरा खंडहर देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होने कुछ नहीं हो रहा है, मैंने ना रास्ता है ना मैंने कुआं है ना तालाब है, कुछ नहीं। अभी तो मैंने सरकार मैंने आने के चलते मतलब ऐसा स्कीम निकाल रहा है कि हम 300 यूनिट हम बिजली देंगे तो ये मैंने अभी 2100 का हम 2500 देंगे, तो ये वो देख के मैंने खाली लोली पॉप है। एक दो महीना देवो किया है तो दिखावा वास्ते दिया है, दिखावा मैंने वोट हमको अपनाने वास्ते, वोट को हम जनता से हम वोट पाएंगे दिखावा लोली पॉप उसको समझिए एकदम। और जीतने के बाद कुछ नहीं देने वाला है, कोई सरकार नहीं देगी ये चीज को, अपना काम नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या? अगर मैंने कोई भी सरकार आएगी बीजेपी हो तो क्या वो भी नहीं दे पाएगी? तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ मतलब सड़क कुछ भी सारा चीज खंडर है, तो फिलहाल तो यहाँ सिटिंग विधायक है तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्या? विधायक तो देखिए हमारे समरी लाल जो विधायक जी थे वो तो कास्ट जाति विशेष पर वो फंसे हुए हैं, उनको ना कुछ एक तो मतलब काम करने के लिए उनको मतलब कोई स्कीम दिया गया ना कुछ नहीं, वो तो मतलब मोहरा बन के वो खाली बैठल है, वो तो खाली कोर्ट और कचहरी में देख रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं, नीचे से ना ऊपर से कोई देने वाला नहीं है। वो हम लोग को कोई जनता का मन कुछ भलाई नहीं करते, जरूर करते। वो इस कंचौसी का मतलब वो विधानसभा क्षेत्र का वो विधायक जी थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब भगवान जाने उनका जाति में क्या कास्ट का जात में क्या जाति का है वो मतलब पता नहीं चला। वो कोर्ट और कचहरी में वो दिन रात लगा रहे हैं, यहाँ काम कोई कार्यक्रम यहाँ उनका नहीं है, कुछ नहीं। मैंने कोई गाँव घर में वो एवेन करता है, हालांकि थे नेता बहुत अच्छे थे लेकिन कोई काम उनका हाथ में पावर नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो इस बार आप लोग क्या क्या उम्मीदें लगाए हैं, इस बार आप लोग वोट दे रहे हैं तो? हम लोग तो मैडम जी देखिए उम्मीद लगाए हैं, हम लोग को कोई देने वाला नहीं है। जब कमाइए कुदाल चलाइए तब खाइए, और नहीं कुदाल चाहिए तो भूखे सोइए। अभी बोल रहे है ना कि वोट लेने के चक्कर में सब ये देंगे वो देंगे वो देंगे सब कर रहा है, हालांकि बुढ़ी लोगों को कुछ कुछ मिल रहा है। अभी मैया योजना में तो खैर दे ही रही है सरकार, किसी को दिया किसी को नहीं भी दिया, है ना। तो अभी हम तो समझते हैं कि हमको देश बचाने वास्ते देश हित के चलते देश हित को मतलब आगे बढ़ाने के लिए हमको बीजेपी ही को हमको सपोर्ट करना है, बीजेपी को ही हमको वोट देना है, जीतू चरण राम को। क्या लग रहा है इस बार, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, क्या लग रहा है आपको? यहाँ का माहौल तो सब अच्छा है, और जैसे हम लोग जहाँ देते आ रहे हैं जिनको उन्हीं को ही हम लोग देंगे। तो इस बार मतलब किनकी सरकार देखना चाह रहे आप लोग? मोदी
बीजेपी मोदी जी का। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? मतलब आप मोदी बोल रही हैं, कुछ तो कारण होगा ऐसा। उन्होंने हमारे ये के लिए बहुत कुछ किए हैं और आगे भी करेंगे, और उन्होंने जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा भी करेंगे। जो महिलाओं को बोले है 2100 का हर मन, वो भी वादा किया वो भी पूरा करेंगे। और गैस सिलेंडर के बारे में भी बोले हैं महिलाओं के लिए कि दो दो गैस सिलेंडर मुफ्त करेंगे। तो हम लोग शुरू से देते आए हैं मोदी सरकार को और अभी भी जिताएंगे। दीदी, आप बोले महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं को लेकर तो अभी जो सरकार है उन्होंने भी जो है योजना लेकर आई है, कई महिलाओं को पैसा मिल भी रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो दे रही है पर हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं है कि वो हमेशा ही देंगे। वो तो अभी 2-3 महीना हुआ है मिला है, लेकिन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। हाँ, पर पूरा विश्वास पूरा है। हाँ, पर आगे होगा कि हाँ, ये मोदी जी मतलब बोले हैं कि हर मंथ मतलब 5 साल तक सभी महिलाओं को 2100 रुपए मिलने की वादा किए हैं, वो पूरा करेंगे। हाँ। और हम लोग को उससे पूरा उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग इनको पूरा वोट देंगे। मोदी जी, धन्यवाद, जोहार। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो है वे शुरू से वोट देते आई हैं, वे उन्हें ही वोट देंगे। फिलहाल और भी ऐसे कई सारी खबरें हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहे। जोहार।